ओ भाई साहब, क्या लग रही है यार गाड़ी। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत तगड़ा गाड़ी है भाई। ओ भाई साहब, 440 बाई 445 क्रॉस कर लिया इसने। भाई इसने 440 को मजाक बना के रख दिया, क्या स्पीड है इस गाड़ी का। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साइक्रियन, आप देख रहे हो माइनी गेमर। तो आज मैं वापस से खेलने जा रहा हूँ फोर्जा होराइजन 5। तो गाइस, अब सब लोग को याद होगा पिछली वीडियो में मैंने निशान GTR बाई किया था। एक बार देख सकते हो भाई क्या तगड़ा गाड़ी है, क्या लुक है इसका, काफी मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। वैसे तो मैं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ इससे। तो गाइस, आज मैं एक ऐसी गाड़ी लेने वाला हूँ जिसका स्पीड देख कर आप पागल हो जाओगे, और उसका हैंडलिंग भाई, एक्सेलरेशन भाई, सब कुछ बहुत ही तगड़ा है। इस गेम में वन ऑफ द टॉप है। वैसे तो रियल में भी वन ऑफ द टॉप है। मैं बात कर रहा हूँ लैम्बोर्गिनी वेनेनो की, जो दिखने में भी तगड़ी है और उसका हैंडलिंग भी बहुत ही बढ़िया है, काफी मक्खन की तरह से चलता है, और उसका टॉप स्पीड देखकर आप पागल हो जाओगे। और उसको हम आज कस्टमाइज भी करने वाले, बहुत ही कुछ करने वाले, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं निशान GTR को भाई ऐसा क्या चला रहा हूँ, तुम ऑफ रोडिंग पे लेकर आ गया ऐसे तो। अरे यार, ये बोट क्या ऊपर चढ़ गया। हाँ उतर गया, चलो मैं एकदम आधे पेड़ को तोड़ते हुए जा रहा हूँ। वैसे तो उसका प्राइस मैंने आप लोगों को बताया नहीं, उसका प्राइस है 3 मिलियन क्रेडिट्स। हाँ भाई, 3 मिलियन क्रेडिट्स तो बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी है भाई। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा फास्ट और इतना अच्छा सा हैंडलिंग वगैरह रहेगा ना, तो ऑब्वियसली उतना ही प्राइस रहने वाला है उसका। तो अभी मैं आया हूँ अपने घर पे, इधर मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाऊंगा कि मैं कौन सी गाड़ी को बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को जाना है बाय एंड सेल पे और ऑटो शो पे जाना है। इधर सारे गाड़ियाँ मिल जाएंगे हमें खरीदने के लिए। ओके, सबसे पहले मेरे को लैम्बोर्गिनी किधर है भाई, किधर है। तो मैं इसी गाड़ी का बात कर रहा हूँ, 3 मिलियन क्रेडिट्स का गाड़ी है। ये गाड़ी मैं आज लेने वाला हूँ। अभी मेरे पास देख सकते हो, मेरे पास करीब 2 मिलियन के करीब क्रेडिट्स हैं। अभी मेरे को और 1 मिलियन चाहिए, हो सकता है तो मैं ये गाड़ी बाय करूंगा, मतलब लैम्बोर्गिनी सेंटो एलिमेंटो। ये थोड़ी सी कम है 2.5 मिलियन क्रेडिट्स की। अगर उतने पैसे बन गए, मतलब 3 मिलियन क्रेडिट्स बन गया, तो मैं लैम्बोर्गिनी वेनेलो लेने वाला हूँ। ये गाड़ी भी काफी तगड़ी गाड़ी है, इसका भी एक्सेलरेशन लॉन्च सब कुछ अब देख सकते हो 10-10 है। एक बार इस गाड़ी को देखते हैं। ओ भाई, ये ब्लैक में तो भाई क्या तगड़ा लग रही है भाई। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट कर बताओ। वैसे तो ये बहुत तगड़ा दिख रही है। ओ भाई, एक बार देखो तुम लोग, क्या तगड़ा है भाई। इसलिए पिछले गाड़ी भी बहुत ही मस्त है, लेकिन इधर तुम देख सकते हो एक, मतलब एक काफी हायर एडिशन वाली गाड़ी दिखती है, कैसे दिखता है उस तरीके से गाड़ी है, मतलब इसका जो लुक्स है भाई, तुम देखो भाई। तो आज तो मैं यही गाड़ी लेने वाला हूँ। चलो जल्दी से कुछ पैसों की बंदोबस्त करते हैं, रेस वेस करते हैं। तो गाइस, इधर पास में ही एक रेस हो रही है, मेरे को बस जाना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है कि अगर अच्छा पैसा मिल गया तो हम बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे। वैसे तो बहुत पैसे चाहिए भाई, मेरे को लगभग 1 मिलियन क्रेडिट चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है इन पैसों को इकट्ठा करने में, लेकिन तुम्हारा भाई करके रहेगा भाई। अपना निशान GTR भी काफी प्यारे दिखते हैं, तुम लोग देखो। वो भाई, इसका टायर्स भी काफी अच्छे हैं, मतलब वो जो गोल्ड कलर है ना, वो और भी बढ़िया दिख रही है। ओके, तो रेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ओके, चलो 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 जल्दी चलो। तो वैसे काफी सारे गाड़ियां हैं, एक ही 3 लैप्स हैं इसमें, हमको कैसे भी कर इस रेस में ना फर्स्ट आना पड़ेगा। ओके चलो चलो, आई थिंक अभी तो मैं 8वीं पोजीशन पे हूँ, लेकिन मैं जा सकता हूँ। पीछे तो एक लैम्बोर्गिनी भी है, मजा आएगा इनके साथ रेस। ओके ओके, मैं 2 लोगों को एक ही बार में पार कर दिया। तो अभी तो मैं 6th बज। अबे अरे अरे, ये कैसे चला गया भाई, इस गाड़ी के इतना स्पीड कैसे। ओ भाई, ये भी चला गया। अरे 2 लोग चले गए यार, चलो चलो चलो, इससे मैं तो जाने नहीं दूँ भाई, तुमसे पहले मैं जाऊँगा भाई। ओके, अभी 7th पोजीशन इसे मैं पार कर सकता हूँ। ओके ओके, मेरे को थोड़ी सी स्लो करना पड़ेगा। ओके, 2 गाड़ियाँ हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। एक का हो गया, ये भी हो जाएगा, चलो 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 चलो। थोड़ी सी अब अगर अपना मतलब एक्सीलेशन और भी होता ना, तो मैं इनको पार कर सकता था। ओके ओके ओके, अरे यार हाँ पार कर दिया। ओके, 5th पोजीशन पर आ गया हूँ। ओके, इसे पार कर सकता हूँ। ओके, 4th पोजीशन भाई, पहली लैप में ही मैंने मतलब 4th पोजीशन पर आ गया हूँ। अभी ये बस 3 लोग बच गए, इसे भी पार कर देते जल्दी से। ये थोड़ी बहुत ही ज़्यादा आगे है ना, हाँ ये थोड़ी बहुत काफ़ी आगे है, इनको भी मैं पार करने वाला हूँ, स्लो करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, नज़दीक आ गया हूँ, हम मैं पार करूँगा। कोई जल्दी चलो जल्दी चलो, मैं क्या ना ये चेक पॉइंट वगैरह मिस होगा ना, फिर वापस स्टार्ट होगा, इसे मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके, स्लो करना पड़ेगा। ये लोग काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं भाई, ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए।
मेरे को लगा पास में ही हूँ कि मैं पास में आ चुका हूँ। अरे अरे मत रुको, अरे 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 कितने सारे लोग भाई, एक ही बार में 9th पोजीशन पे आ गया। ओ भाई तू तो मत जा, ये क्या एक ही बार में सारे लोग चले गए भाई, 7th पोजीशन पे आ गया मैं तो, इसे मैं पार कर सकता हूँ। ओके ओके ओके, 3 लोग एक ही बार में है, मैं इनको एक बार में पार कर दूंगा तो काफ़ी, मतलब सेम पोजीशन कैच कर सकता हूँ। ओके चलो जल्दी चलिए, ये क्या है, ये एकदम आ गया कर रह गया, जाने नहीं दे रहा भाई। चलो चलो चलो, ओके ओके ये इसे हटा दिया। ओके ओके अभी बस 2 लोग और हैं। अभी छोटी सी गलती क्या कर दी, इन लोगों ने एक ही बार में फट से एकदम चले गए सारे के सारे। अभी 6th पोजीशन हो गया मेरा। चलो 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 चलो, अरे इधर ठोकना नहीं। ओके ओके तो बची। अरे यार ये चला गया, ये लोग एकदम, हम थोड़ी सी देर करते ना तो ये लोग एकदम तैयार ही रहते पीछे। ओके भाई, अरे 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 किधर चला गया, मैंने तो मैंने इधर थोड़ी बहुत चीटिंग की, हर रिविंड कर दिया दे तो भाई मैं पक्का बोलने वाला हूँ ये रेस हार ही जाऊँगा, क्योंकि 3rd लैप चल रही है तो ये रेस मेरे को कैसे भी जीतना है भाई। अभी भी मैं 7th पोजीशन पे हूँ। ओके भाई ये लोग काफ़ी तेज जा रहे हैं यार, जाने दे यार, क्या है यार, वैसे तो उसको भी रेस जीतना है। चलो इधर मेरे सामने 2 लोग हैं, ये आखिरी लैप है, कम से कम मेरे को 3rd पोजीशन पे तो आना ही है। इधर मैं इन लोगों को पीछे छोड़ता हूँ। ओके 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 चलो 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 चलो, 4th पोजीशन पे आया हूँ बस, कम से कम मेरे को एक, अरे तू मत जा, तू मत जा, जिसको मैं जाने ही नहीं दे रहा भाई, तू जाने ही नहीं दे भाई, मैं पहले जाने वाला हूँ। ओके इधर थोड़ी बहुत ध्यान रखना भाई, इधर स्लो करना है, इधर ही एकदम जल्दी से चले जाते। ओके जल्दी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। वो 3 लोग काफ़ी ज़्यादा आगे चल चुके हैं, इतना ज़्यादा तेज़ चले गए भाई, लगता है कुछ चीटिंग किया उन लोगों ने, कुछ बढ़िया गाड़ी लेकर आ गया। मैं कैसा चला रहा हूँ, इस गाड़ी को बार बार ठोक रहा हूँ। अरे 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 ये वापस आ गया भाई, इसको मैंने जाने नहीं दिया, थोड़ी सी चीटिंग किया मैंने, क्योंकि चलता है वैसे तो। ओके ओके आखिरी बार पहुँच गया हूँ, ठीक है हम मतलब 3rd पोजीशन भी नहीं आए, 4th पोजीशन पे आए हैं। मैं अगर 1st पे आता ना तब मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल सकता था, लेकिन मैं 4th पे आया, ठीक है। ओके गाइस तो मेरे को करीब करीब 11,000 क्रेडिट्स मिल चुके हैं। देखो ऐसा करता रहूँगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे पैसे चाहिए अभी तो। तो अभी मेरे को पता चला कि एक पास में और एक रेस हो रही है, तो उधर मैं जाने वाला हूँ और उधर से भी रेस करेंगे। कम से कम अगर मैं उस रेस में तो 1st आ गया ना तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, तो चलो चलते हैं। भाई ये कौन है भाई, इतने तेजी से चल गई, ये तो एकदम ठोकते हुए जा रहा है, वैसे तो लैम्बोर्गिनी चला रहा है ये तो। भाई देख तुम्हारा लैम्बोर्गिनी तो पीछे रह गया, निशान GTR ही पहले चला गया भाई। निशान GTR भी काफ़ी तेज जा रहा है, 340 तो ये इसने ऐसे ही पकड़ लिया। ओके मैं रेस में पहुंच चुका हूं, आशा करते कि मैं लेट नहीं हुआ हूं, वरना मेरे पहले ही रेस स्टार्ट हो गया। ओके गाइस तो रेस में मैं लेट नहीं हुआ हूं और मैं टाइम पे था, तो अभी सारे लोगों को आने का वेट करते हैं और रेस स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मेरा गाड़ी को थोड़ी बहुत शो ऑफ कर रहे हैं लोग। अभी मैंने बोला कि भाई ठीक है यार, अपना गाड़ी भी मैं अच्छे से देख लूँगा, तो ओके ओके अभी रेस स्टार्ट हो गया। ओके चलो 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 चलो, इस रेस में मेरे को कैसे भी जीतना, वैसे तो मैं पहले से ही काफ़ी आगे था, 3rd पोजीशन में आ चुका हूँ। ओके ओके टर्निंग लेना, ओके फर्स्ट बाई फर्स्ट फर्स्ट आ चुका हूँ मैं अभी तो। चलो इधर टर्निंग लेनी है मेरे को, चलो चलते हैं। ओके इस रेस में मैं कैसे भी करके मतलब 1st आने ही वाला हूँ, और तुम लोग देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा पीछे भी हो चुके हैं। देखो मुश्किल से मैं 1st पोजीशन पे आया हूँ, तो इसको मैं छोड़ने नहीं वाला, बहुत तेज़ भगाने वाला हूँ भाई मैं बहुत। वो आगे भाई आगे, मेरे को लग रहा है वो बहुत ही पीछे होंगे, मेरे पीछे ही है जस्ट, अगर मैं कुछ भी गलती करूँगा ना तो आ जाएंगे। इसमें तो कोई लैप भी नहीं है, ये पूरा एक ही रेस होने वाला है। अगर लैप होता तो मतलब कम से कम एक में नहीं तो दूसरे में हम कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कवर भी नहीं कर सकते, तो मेरे को कोई भी गलती नहीं करना है और एकदम बढ़िया तरीके से अपने गाड़ी को चलाना है। अभी तो एकदम काफ़ी अच्छी से चल रही है, लगभग 40% ही कंप्लीट हुआ है, थोड़ी सी स्लो करना पड़ेगा। ओके ओके अरे 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 यार इधर इतना बड़ा टर्निंग किया इधर से आ गया। ओके मैंने रिविंड कर दिया, देखो मैं इस चांस को मिस नहीं करना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैंने यूज़ कर लिया, नहीं तो भी मेरा इतना छोटा सा भी गलती हुआ तो वो वापस आ जाएंगे। ये देखो मेरे पीछे ही है सारे के सारे, फिर एक ही बार मैं 1st से एकदम 12th पोजीशन पे चला जाऊँगा, तो ऐसा मेरे को कोई गलती नहीं करना है इस बार। अभी क्या ना मैं धीरे धीरे इसको सीख रहा हूँ, आगे जाकर इसे कम कर दूंगा, तो अभी के लिए थोड़ी बहुत यूज़ कर लेते हैं। 50% कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरे को इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कर 1st पोजीशन पे रहना है। तो गाइस अभी 85% खत्म हो चुका है, अभी थोड़ा सा ही बचा है। अरे अरे ये क्या कर रहा भाई, भाई तू मत जा भाई, तू रुक जा भाई, तेरे इस तेरे को जाने ही नहीं दूंगा। उस गाड़ी को मैंने जाने ही नहीं दिया, मैंने रोक दिया उस गाड़ी को भाई, लेकिन मजाक नहीं, वो मेरे पीछे ही है। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला रेस भाई इस समय में ये वो भाई, चलो जीत गया जो भी हो। मैं ना एकदम रोड को देख के चला रहा था, वो एकदम पीछे आ गया भाई, अगर मैं इतना सा भी लेट करता ना तो वो पक्का 1st आ जाता। तुम देखो इधर ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, दोनों एक ही सेकंड पे आए भाई,
काफी माइनर सेकंड्स का डिफरेंस है। तो गाइस तुम्हारे भाई ने इस रेस में फर्स्ट आ चुका है, तो आई थिंक इस बार मेरे को काफ़ी अच्छे क्रेडिट्स मिलने चाहिए, तो देखते हैं। और देखो इधर मेरा एक्सपी भी बढ़ चुका है, 50 लेवल्स कर दिया मैंने, काफ़ी सारे लेवल्स भी हो चुके हैं। ओके मेरे को एक व्हील स्पिन भी मिली है, भाई पैसे चाहिए भाई, बहुत सारे पैसे चाहिए। ये क्या, ये तो कोई तगड़ा गाड़ी ही लग रही है मेरे को, वैसे तो इसके बारे में पता नहीं लेकिन बढ़िया गाड़ी ही लग रही है, देखते हैं इसे। ओके किधर है, किधर है, ओके यही है ना, हाँ यही है, 2004 वाली S7 सलीन कुछ नाम है इसका, 4 लाख क्रेडिट्स के करीब है। आई थिंक महंगी गाड़ी है भाई, वैसे तो मेरे को लगा कि मिलियन क्रेडिट्स तो आराम से होगा, लेकिन उतना महंगा नहीं है, लेकिन बढ़िया गाड़ी ही लग रही है। तो गाइस अगर हम ऐसे करते रहेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा समय हो जाएगा। अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे पास एकदम 10,000 के क्रेडिट्स मिल रहे हैं। अभी कब मैं 1 मिलियन क्रेडिट्स करूँगा और कब मैं वो गाड़ी को खरीदूँगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो मैंने इसीलिए फ्रेडी से बात किया है और उसने बोला कि भाई तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसने बोला था, बस तू आ जा। मैं अभी बस उसी के पास जा रहा हूँ और उसका जाएंगे, बताएंगे भाई मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है, तो वो पैसे अरेंज कर कर दे देगा, इसने बोला था। तो अभी बात करते हैं, अभी वैसे भी मैं पहुँच भी चुका हूँ। भाई थोड़ी सी लम्ब के लिए एक ड्रिफ्ट तो मार देते हैं भाई, क्या सर्कल्स घूम रहा है ये गाड़ी तो भाई एकदम, तुम देख सकते हो पूरा स्मोक ही है भाई, क्या तगड़ा है। तो ठीक है मैं जल्दी से बात कर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस मैंने फ्रेडी से बात कर चुका हूँ और आप इधर देख सकते हो मेरे पास बुगाटी है। उसने बोला कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन तुमको मैं पैसे दूंगा। उसने बोला कि भाई तेरा जो निशान GTR है वो मेरे को दे दे, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बस मेरे को एक रेस करवानी है, एक बंदा है मैं उसको दूंगा, वो रेस करेगा, मतलब मेरी गाड़ी से वो रेस करेगा और वो रेस जीतेगा तो वो पैसे मेरे को दे देगा, ऐसा उसने बोला था। लेकिन उसने बोला कि मेरे को पूरा मतलब 1 मिलियन क्रेडिट्स तो नहीं देगा, उसने बोला कि भाई 4 लाख क्रेडिट्स के करीब दे दूंगा और तुम जो लेम्बोर्गिनी सेंटो और एलिमेंटो है ना वो ले लो, लेकिन अगर तुम्हें लेम्बोर्गिनी वेनेनो लेना है तो मेरे लिए एक रेस जीतना पड़ेगा, अगर तुम उस रेस में फर्स्ट आ गए तो उसने बोला कि भाई तुमको 1 मिलियन क्रेडिट्स में दे दूंगा, फिर आराम से तो जाकर खरीद लेना। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, अगर मैं हार जाता हूँ ना तो उसने बोला कि तेरा जो बुगाटी है वो मैं पूरा रख ही लूँगा। भाई इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया ना तो वो मेरा बुगाटी ले लेगा, तो ये बहुत ही बड़ी रिस्क है। लेकिन मैंने उससे बोला कि भाई मैं रेस करूंगा, मेरे को पता नहीं कि मैंने कैसे हाँ कर दिया, क्योंकि अभी तो वैसे मैं फर्स्ट आ चुका हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ी सी है लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं है। लेकिन मैंने उसे बोल दिया अभी कि मैं फर्स्ट आऊँगा और तुम 1 मिलियन क्रेडिट्स का इंतजाम कर दो, तो अभी बस थोड़ी देर में वो मेरे को रेस कहाँ पर हो रही है उसका लोकेशन भेजेगा और मेरे को उधर जाकर रेस करना है बस। देखो वैसे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है लेकिन मैंने रिस्क उठा लिया, अभी मेरे को लेम्बोर्गिनी वेनेनो चाहिए, मतलब चाहिए, वो मैं कैसे भी लेकर जाने वाला हूँ। तो गाइस फ्रेडी ने मेरे को लोकेशन भेज दिया, बस मेरे को उधर जाना है और रेस जीतना है, काफ़ी नज़दीक ही है। इस गाड़ी में तो हम ऐसे ही पहुँच जाएंगे, वैसे भी 1 किलोमीटर तो हमने ऐसे ही पार भी कर दिया, लेकिन मेरे को इस रेस में फर्स्ट कैसे भी कर फर्स्ट आना ही है, वो मेरे को ध्यान रखना है। अगर मैंने इतने से भी गलती किया तो भाई मेरा बुगाटी जो है ना वो भी चला जाएगा, वैसे तो उसने ऑलरेडी मेरा निशान GTR ले लिया। मेरे को ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगा बोल दिया, लेकिन ठीक है अभी ले लिया तो ले लिया, अभी जाकर करके रहेंगे। तो मैं अभी रेस में पहुँच भी चुका हूँ, वैसे तो मैं लेट ना हो तो अच्छा है, नहीं तो पता चला कि भाई रेस पूरा ख़त्म ही हो गया फिर तुम आए हो। ओके मैं पहुँच चुका हूँ, तो जल्दी से रेस को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं तो टाइम पर पहुँच चुका हूँ और ये लोग तो एकदम मेरा गाड़ी का बढ़िया से शो ऑफ कर रहे हैं, भाई क्या मस्त है भाई। भाई इस गाड़ी को तो मैं बिल्कुल भी खोने नहीं वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट मैंने इसी गाड़ी को लिया है जो 3 मिलियन क्रेडिट्स का गाड़ी है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इस रेस को मेरे को कैसे भी कर फर्स्ट आना पड़ेगा। ओके ओके रेस स्टार्ट हो चुकी है, चलो मैं अभी अच्छे पोजीशन पे हूँ, तो ओके मैंने पार कर दिया भाई। ओके 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 मैं फर्स्ट आ गया। ओके 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 ये भी मतलब लैप वाली रेस नहीं है यार, अगर लैप वाला होता तो अच्छा होता है। ये अभी 10% ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, मेरे को बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करनी है, एकदम इसी तरीके से चलना है। 20% ख़त्म हो चुकी है, मेरे को लग रहा है कि इतना भी बड़ा रेस नहीं है, क्योंकि अभी देख सकते हो 30। ओके ओके अरे यार ये इतना बड़ा टर्निंग किधर से आ गया, ओ भाई भाई तुम लोग मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ओके 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 अरे अरे यार चले गए अरे यार यार मैं तो बहुत ज़्यादा देर कर दिया। ओके लेकिन 3 लोग ही गए थे, मैं पास में ही हूँ, उतना भी ओके स्लो करना पड़ेगा भाई, मैं इन लोग को क्रॉस कर सकता हूँ। ओके ओके ओके
ओके आई थिंक ओके थर्ड पोजिशन वाला सेकंड है ये गाड़ी को। ओके मैंने इसे भी क्रॉस कर दिया, अच्छा है। फर्स्ट तो वापस फर्स्ट पे आ गया भाई, 50% कंप्लीट हो चुका है। मेरे को कोई भी गलती नहीं करनी है, मेरे को इस रेस को जीतना है भाई। ओके 53% मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, वो लोग जस्ट मेरे पीछे ही हैं। अगर मैं इतना सा भी गलती किया तो भाई आ जाएंगे, ये तो एकदम मेरे पीछे ही है। ओके 63% कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी जा रहा है अभी तक तो, काफ़ी अच्छा है। 70% ख़त्म हो चुका है। अरे ऑफ रोड नहीं भाई, भाई 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 ये तो आ गया भाई। अरे चलो चलो ऑफ रोड में, अरे यार मैं ऑफ रोड क्यों करता हूँ। 80% कंप्लीट हो चुकी है, बस और 20% मेरे को और थोड़ी सी, वैसे तो आगे बहुत ही सारे टर्निंग्स आने वाले हैं थोड़ी। अरे अरे ये थोड़ी सी यार इसे कंट्रोल करना थोड़ी सी मुश्किल। अरे अरे ये चला गया भाई, भाई यार ये भी चला गया भाई। ओहो 90%। अरे यार शिट, वो मेरा इतना शार्प टर्निंग है ना, मैंने तो देखा ही नहीं। मैं इनको क्रॉस करने में लग गया था तो वो मैप ही मैंने नहीं देखा। तो ओके 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 भाई तू भी बच जा भाई, ये क्या यार भाई तीसरे पोजीशन पे चला गया। वो लगता है मैं हार जाऊंगा भाई, ये लोग चले गए। अरे नहीं यार नहीं 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 भाई, एक को पार कर दिया। चलो चलो चलो, अरे यार भाई मैं थर्ड पोजीशन पे आया हूँ भाई, ये क्या हो गया भाई। अभी मैं उसको क्या बताऊंगा भाई, मैं हार गया, थर्ड पोजीशन पे आया था यार। पूरा रेस में मैं फर्स्ट था, आखिरी में जब 10% बचा था तब ये दोनों किधर से घुस गए और आ गए भाई, कंप्लीट कर दिया इन लोगों ने फर्स्ट पोजीशन पे। अभी मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं और मैं कौन सा मुंह उसको दिखाऊं। अभी वो जाने के बाद क्या बोलेगा कुछ भी पता नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन ये रेगिस्तान पे कहाँ से आ गया भाई, ये तो पूरा रेगिस्तान है। मैं कौन सी जगह पे रेस करने के लिए आ गया मेरे को खुद ही को नहीं पता है, उस फ्रेडी ने बोला और मैं आ गया भाई। ये तो पूरा रेगिस्तान दुबई दुबई फील हो गया इधर तो मेरे को। चलो ठीक है, अभी मैं फ्रेडी के पास जाऊंगा और वो क्या बताएगा मेरे को सुनना पड़ेगा। अभी वो बुगाटी ना ले तो अच्छा है, क्योंकि अभी भी हम थर्ड पोजीशन पे तो आए ही है, तो उसका हाथ पैर कुछ भी पकड़ना पड़ेगा। और मेरा बुगाटी जो है वो ना ले तो अच्छा है भाई, मैं कुछ भी करने वाला हूँ लेकिन मेरा बुगाटी जो है ना मैं देने नहीं वाला हूँ उसको। अभी देखते वो क्या करेगा, मानेगा कि नहीं मेरे बात भाई। लेकिन लेम्बोर्गिनी लेने के चक्कर में मेरा एक निशान जीत गया। अभी वो चला गया, अभी वो रेस जीता होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं। उसने बोला कि वो रेस जीतेगा तब जाकर पैसे देगा, तो उसका तो कुछ पता ही नहीं। अभी ये मैं जाऊंगा, अभी ये मेरा बुगाटी ले लेगा, इसका क्या है भाई, क्या कर दिया वैसे तो मैंने। अभी वैसे तो उसके पास जाना तो पड़ेगा ही, अभी क्या कहेगा तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस मैंने फ्रेडी के पास ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, अभी बस मैं उसके पास जाऊँगा भाई। कुछ भी कर मेरे को उसे कन्विंस करना पड़ेगा भाई, तू मत ले, चाहे तो मैं एक और रेस तेरे लिए जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो करूंगा। मतलब वो मेरा गाड़ी ना ले तो अच्छा है। चलो उससे बात कर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, उसने मेरी बुगाटी ले लिया है। और अभी मेरे पास जो पुराना कॉर्वेट है, मतलब पहले जब मेरे पास गाड़ी था वो वाली कॉर्वेट पर मैं वापस आ चुका हूँ। देखो यार मैंने बहुत ही ज़्यादा उसे कन्विंस किया था, लेकिन वो है कि कन्विंस होने का बिल्कुल भी मूड में नहीं, तो बहुत ही गुस्से में था भाई। तेरे को मैंने पहले ही बोला था अगर तू रेस करना चाहता है, मैंने बोला था तुमको फर्स्ट आना है, लेकिन तुमने तो तोड़ आया है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुम रेस करोगे तो अगर हार जाओगे तो मैं तेरा बुगाटी ले लूँगा, और तुम हार गए। अभी मैं कुछ भी सुनने नहीं वाला हूँ, मेरा बहुत ही सारे पैसे गए और अभी मैं तुम्हारी बुगाटी लेने वाला हूँ। लेकिन उसने बोला कि मेरे को थोड़ी सी समय दो, मैं एक रेस बताऊंगा, अगर तुम उस रेस में जीत गए तो शायद मैं तेरा बुगाटी दे सकता हूँ, ऐसा उसने बोला था। अभी मेरे को शायद उसके लिए एक और रेस जीतना पड़ेगा या फिर और क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को तो पता नहीं। और जो हमारे निशान जीटीआर उसने लिया है उसका तो उसने बात ही नहीं किया, अभी मेरे को नहीं लगता कि उसने रेस जीता या फिर उसका प्यारे में तो कुछ बात ही नहीं किया उसने। मैं जैसे गया मेरा बुगाटी ले लिया और मेरे को एकदम बोल दिया भाई अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने फिर बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया, फिर जाकर उसने मेरे को बोला कि भाई तुमको एक और रेस का मौका दूंगा, लेकिन अभी उसने नहीं बताया, उसने बोला कि मैं तुम्हें बता दूंगा भाई। लेकिन निकले थे लैम्बोर्गिनी वेनेलो लेने के लिए, लेकिन अभी अपना बुगाटी चला गया, निशान जीटीआर चला गया भाई, ये क्या हो गया। लेकिन मैंने क्या ही गलती कर दिया उससे मदद मांग कर। लेकिन मेरे को लगा कि मैंने पिछले रेस में फर्स्ट आया तो इस रेस में भी फर्स्ट आ जाऊँगा, ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तो बुगाटी भी चला गया, निशान जीटीआर भी चला गया,
अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा, जब तक वो मेरे को रेस करने के लिए नहीं बोलेगा तब तक वेट करना ही पड़ेगा। अभी मैं उस रेस में भी जीतूंगा नहीं जीतूंगा अभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है भाई। कितने मुश्किल से मैंने उस डीओ को, बुगाटी डीओ को ख़रीदा था, अभी क्या होगा कुछ पता नहीं। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट कर कर बताओ कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे देगा है कि नहीं, तो कमेंट कर कर बताओ। तो आज का वीडियो जो है इधर ही ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना भूलना मत।